दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर के देशों में खेती कैसे होती है? आइए हम आपको बताते हैं, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फ्रेम थ्री और ट्रैक्टर। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में आग सोड़ने वाला ट्रैक्टर देखा है, जो खेत में पड़ी झाड़ियों को जलाकर खेत को साफ कर देता है, ताकि जमीन को और उपजाऊ बनाया जा सके। इस ट्रैक्टर पर एक सिलेंडर लगा हुआ होता है, जो आग निकालने में मदद करता है। ये टेक्निक अभी तक इंडिया में नहीं आई, इसे सिर्फ बाहर के लोग काम में लेते हैं। कैरेट हार्वेस्टर। जहाँ एक आदमी को एक एक गाजर बाहर निकालने में दिन भर लग जाता है, वही ये मशीन ये काम कुछ ही पलों में कर देती है। जो जमीन के नीचे से गाजरों को बाहर निकाल कर के पत्तों को अलग करके एक तरफ इकट्ठा कर देती है। गाजर के पत्तों को खेतों में ही सोड़ दिया जाता है। द विग वर्ड 747। ये दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रैक्टर है, जो सिर्फ कुछ ही समय में बड़े बड़े खेतों की खुदाई आराम से कर लेता है, जिसमें 12 टायर लगे होते हैं। ये ट्रैक्टर उन लोगों के काफी काम आएगा, जिनके पास खेती करने के लिए जमीन तो बहुत है, पर उनके पास टाइम नहीं है। पैडी पैंथर 26। ये मशीन देखने में काफी छोटी लगती है, इसमें पावरफुल इंजन लगा हुआ है, ताकि ये किसी भी मुश्किल जगह पर आराम से चल सके और काफी कम समय में वहाँ खेती के लिए पौधों को लगा सके, जिसे चलाना काफी आसान है। ER335। ये मशीन कई काम एक साथ कर सकती है, जिसे चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है, जो खेतों में फसलें काटने के काम आती है। ये फसल को काटती है और चावल को अलग करके कंटेनर में भर देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।